अंदर कर दिया है ना, और मुझ में मैं तब भी था, मैं तब भी था, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनना पड़ेगा। पूछता है भारत, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आपको लग रहा है बहुत दिनों से आपको बड़ी बड़ी, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, क्योंकि मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने टिकट दी थी आतिक अहमद को, या आपके आप नहीं, आतिक अहमद को टिकट किसने दी? जवाब दीजिए मुझे, जवाब दे मुझे। तो अच्छा ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप तब भी थे जब, आप तब भी थे जब डीपी यादव को अखिलेश जी ने भगाया था कि हम क्रिमिनल को पार्टी में नहीं लेंगे। आप तब भी थे जब आतिक अहमद को धक्का देकर उन्होंने अपने से दूर किया था, तब आपने तो नहीं बताया था, तब आपको टीवी पे नहीं दिखाया। आप तब भी थे जब यहाँ पे कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, आप तब भी थे जब राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट थी। क्या कार्रवाई हुई माफिया के ऊपर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। इतने सालों तक भारतीय जनता मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, जब आपने कुछ उठा रहे शांतनु, उसको उठा रहे शांतनु के हाथ में कुछ है, एक मिनट शांतनु, व्हाट आर यू होल्डिंग अप शांतनु? माफियाओं को खत्म करने का और डेवलपमेंट का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी ने किया है। और मैं धंधे की चोट पे बोलता हूँ, समाजवादी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। हम यहाँ पे धंधे नाम पे या किसी के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते, हम समाज की विकास की राजनीति की है। और हमेशा यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे विकास की राजनीति होनी चाहिए और समाज के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं वो खत्म होने चाहिए। हमने कभी बढ़ावा नहीं दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, सब कुछ याद है मुझे, मुझे मुझे ये भी याद है, मुझे ये भी याद है। आप चुप रहेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, मुझे ये भी याद है दोस्तों, मुझे ये भी याद है दोस्तों। शांतनु आपको भी याद होगा कि 2015 में, 2015 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय एनसीआरबी डेटा ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग होती है, सबसे ज्यादा अपहरण के केस उत्तर प्रदेश में होते थे, होते थे कि नहीं होते थे बताइए मुझे? इतने अपहरण क्यों होते थे? माफिया को स्पॉन्सरशिप दे रहे थे आप? आई जस्ट वांट टू शो यू दिस पिक्चर, आई एम श्योर एवरीबॉडी विल, समाजवादी पार्टी होगा क्या? अर्णव एक बार नहीं, आप डायरेक्टली शांतनु आप बताइए, या जस्ट शांतनु की बात सुनी जाए। अतीक अहमद, जस्ट लुक एट अतीक अहमद ऑन द माइक एंड अखिलेश यादव वेरी फॉन्डली इज लाफिंग एट इट। इट्स अ समाजवादी पार्टी इवेंट वेर अतीक अहमद इज ऑन द माइक, द माइटी माफिया अतीक अहमद इज ऑन माइक एंड अखिलेश यादव इज गिगलिंग टू ग्लोरी। फोटो नंबर वन, फोटो नंबर टू, अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति थे नहीं आने दिया। मुलायम सिंह यादव जी शेकिंग हैंड विद द डॉग ऑफ अतीक अहमद, चाहे कोई व्यक्ति रहा, हिंदी में बोले, हिंदी में बोले शांतनु, को पार्टी के अंदर में नहीं आने दिया। मुलायम सिंह यादव जी अतीक अहमद नाम ले रहे, उनको कुत्ते से हाथ मिला रहे, दूर हटा दिया था, पास आने की कोशिश की थी, तो उन्होंने अतीक अहमद से नहीं, उनके कुत्ते से भी दोस्ती थी। क्रिमिनल को पार्टी देखिए, तो समाजवादी पार्टी की दोस्तियां देखिए आप, बताइए समाजवादी पार्टी की दोस्ती देखिए आप, पार्टी में देखिए, केवल मुलायम सिंह यादव से नहीं, जो यहाँ पे उनके कुत्ते से भी थी। कितना गहरा याराना था उसमें, आप गहरा। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, कृपया आपराधिक मुकदमे जरा बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कितने विधायक है जिन पे रेगुलर कैंपेनर, अतीक अहमद उनका रेगुलर कैंपेनर था। देखिए वो माइक पे बढ़िया भाषण दे रहे हैं, माफिया कर रहे थे क्या कैंपेनिंग? माफिया भाषण दे रहे हैं और इधर कर रहे थे, और इधर मोहल्ले में कर रहे थे क्या कैंपेनिंग? और इधर अखिलेश यादव जी खूब खिलखिला रहे हैं, खूब खिलखिला रहे हैं। आपके पता नहीं कौन से कैंपेनिंग, देखिए फोटो न्यूज में है, पब्लिक में है, टाइम्स नाउ में है, हर चैनल में है, फोटो लेके घूमने से फोटो लिए घूम रहे हैं। अरे बताइए ना कितने विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी में जिनमें आपराधिक मुकदमे, बताइए ना, दिखाइए दिखाइए, आपने डाटा दिखाइए, कितने आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक के ऊपर में? आपने 96 में टिकट दिया, नहीं दिखाओगे? 96 में विधायक का टिकट दिया, बताओगे? आपने 2004 में सांसद का टिकट दिया, आपने 2014 में फिर सांसद का टिकट दिया, आपने उनको जेल से निकाला। भारतीय जनता पार्टी एक बार तो बता दीजिए।